हम आज होली का दहन करेंगे शाम के टाइम, और है ना उस समय ना पहले चारों तरफ कच्चे छूत से ना पूरी परिक्रमा करेंगे, फिर ना लाल कलर से करेंगे, फिर लच्छा बांधेंगे पूरी होली के, फिर सफेद। सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, हैंड पिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स, सदगुरु स्टोर नगीना बाग अजमेर। बरबुल्ले चढ़ाएंगे, सब सफेद सरसों, लाल सरसों और नारियल वहाँ पर चढ़ाएंगे, और धूप करेंगे, उसके बाद प्रहलाद जी को बचाने के लिए उनको निकालेंगे, और बुराई पर अच्छाई की जीत हो इसके लिए मंगल गीत गाएंगे। प्रहलाद को बचाने के बाद क्या पूजा करते हैं? उसको ठंडा करते हैं, हाँ, जल चढ़ा के ठंडा करते हैं, और फिर ना भोग लगाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राधा रानी। हाँ जी, अजमेर शास्त्री नगर। देखिए, भारतवर्ष में तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, इसी उपलक्ष्य में आज होली के अवसर पर दो दिन का जो त्यौहार है, आज होलिका दहन किया जाएगा। उस संबंध में सुबह सुबह लकड़ियां, भारे कंडे वगैरह इकट्ठे करके उनको एक जगह एकत्रित किया जा रहा है, और शाम को जो मुहूर्त है तय पंडितों के अनुसार, शाम को 5:45 से लेकर 8 या 9 बजे तक उस समय होलिका का दहन किया जाएगा। और इसी क्रम में कल सुबह होली खेली जाएगी, जिसके अवसर पर एक दूसरे के हम रंग लगाएंगे, कलर्स लगाएंगे, गुलाल लगाएंगे। मार्केट में उसी को देखते हुए वातावरण बहुत अच्छा है, और सभी से अनुरोध है कि होली के अवसर पर जो सांप्रदायिक भावना है हमारी, उसके तहत खेली जाए और आपस में प्रेम प्यार बना रहे। संजय दादी, वार्ड 68। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को होली की बधाई देना चाहता हूँ, और दूसरा, होली का त्यौहार एक आपस में मिलने का त्यौहार होता है। इस दिन दुश्मन भी एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। होली के दिन होली का दहन किया जाता है। होली का दहन के साथ साथ इसमें अच्छाई पे बुराई की जीत भी इसको माना गया है। इस दिन कई रोगों से मुक्ति मिलती है, प्रदूषण से भी मुक्ति मिलती है, और होली के त्यौहार के दिन हम सुबह लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, भारे इकट्ठे करते हैं, कई तरह की पूजन सामग्रियाँ इकट्ठी करते हैं। सायं 6 बजे से 9 बजे तक का आज का मुहूर्त है होली का, उस समय हम 8 बजे तकरीबन इसको अग्नि प्रज्वलित कराएंगे, और अग्नि होलिका दहन साय को रखा गया। कल खेली जाएगी, माहौल लगा पड़ा है मार्केट। हाँ, क्या कल होली खेली जाएगी, किस तरीके का माहौल है मार्केट? देखिए, माहौल बहुत उत्साह भरा माहौल है, और हर जगह, जिस जगह आप जाएँ, चाहे बाज़ार हो चाहे रोड हो, हर जगह खरीदारी ही नज़र आ रही है। हम खुद यहाँ खरीदारी करने आए हैं, और लोग बहुत खुश हैं होली को देखते हुए। आपका नाम? वार्ड रोहित यादव, वार्ड नंबर 68।